आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के मुख्य स्रोतों के बारे में। किसी भी इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं और उसके मुख्य स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक्चुअली होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि इतिहास एक कहानी है, एक्चुअली ये कहानी नहीं है। एक हर एक स्रोत, प्रमाणिक स्रोत जो है, इससे हम इतिहास को प्रूव करते हैं। इसमें ऐतिहासिक स्रोत भी है और बहुत सारे अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, तत्कालीन ग्रंथ हैं। इससे हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मुख्य स्रोत में हम आते हैं सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत हम लोग माना जाता है, इसे इतिहासकारों ने 1206 से 1707 तक का पीरियड माना है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, मध्यकाल इसे कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण स्रोत हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मिनहाज उस सिराज। वो तत्कालीन स्रोत में महत्वपूर्ण माना जाता है। तब वो लिखा था तबकाते नासरी। ये ऐबक से लेके इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन तक की इसकी समय की जानकारी देता है। वो तत्कालीन समय का वो लेखक था। ऐसे तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में लिखा है। इसके पहले मोहम्मद गजनवी के पहले समय भी अलबेरूनी आया था, बहुत ही विद्वान लेखक, इतिहासकार माना जाता है उसे। उसे किताबे उल हिंद लिखा था, इससे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आते हैं हम लोग बरनी के बारे में। बरनी भी अलाउद्दीन खिलजी से लेके उस समय तत्कालीन इतिहासकार के बारे में लिखा है, तत्कालीन इतिहास के बारे में लिखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद महत्वपूर्ण था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भारतीय इतिहास में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसका महत्वपूर्ण लेख है खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह से तत्कालीन वर्नी मोहम्मद तुगलक और बहुत सारे राजाओं के बारे में लिखा है। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसके राजनीतिक सामाजिक तत्कालीन समाज के बारे में अमीर खुसरो ने लिखा है। उसके गद्य और पद दोनों महत्वपूर्ण हैं। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह के अलावा बहुत सारे और भी लेख लिखे हैं। नूर सिपे था, आशिक था, क्रिश खां की बेटा और उसकी बेटी की प्रेम कहानी का लिखा है, क्रिश खां के बारे में। इसके बाद आते हैं एक और तारीख़ फिरोजशाही। वर्नी का तारीख़ फिरोजशाही महत्वपूर्ण था। आफीफ का भी तारीख़ फिरोजशाही बहुत महत्वपूर्ण था। मोहम्मद, उसके बाद एक अफ्रीकी यात्री आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता का रहेला तत्कालीन मोहम्मद तुगलक के समय का इतिहास बताता है, उस समय के सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। और महत्वपूर्ण और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद अकबर के समय भी काफ़ी महत्वपूर्ण लेख लिखे गए। अबुल फजल था उस समय, अबुल फजल का अकबरनामा तुजुक अकबरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले बाबर ने भी लिखा था तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी में बाबर ने हिंदुस्तान के बारे में लिखा है, हिंदुस्तान के सामाजिक आर्थिक राजनीति के बारे में, और हिंदुस्तान के बारे में लिखा है कि यहाँ के लोगों के बारे में लिखा है। एक्चुअली बहुत आसानी से जीत गया था, तो उसने पहले लिखा कि बहुत यहाँ के लोग उसमें योग्यता की कमी है, कहें कि 1,00,000 सैनिकों का आराम से हरा दिया था, और स्किल डेवलप के बारे में उसने कहा है। इसके अलावा और आते हैं अकबर के। अकबर ने तो एक पूरा बहुत सारी बुक का प्राचीन इतिहास के किताबों को फारसी में अनुवाद करवा दिया था। महाभारत को
अनुवाद फारसी में कराए, उसे रजनामा कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों को उसने फारसी में अनुवाद कराया। उस समय के लेखक थे सर हिंदी के अलावा बदायूनी, बदायूनी भी महत्वपूर्ण समय का लेखक इतिहासकार कहा जा सकता है, लेखक दरबारी लेखक। और औरंगजेब के समय ख्रीच खान लेख औरंगजेब का लिखा था। इस तरह ये महत्वपूर्ण ब्रीफ जानकारी था मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। ओके, ये महत्वपूर्ण स्रोत था। ओके, थैंक यू वेरी मच।